सुशांत कुमार, मध्य विद्यालय मंगा जिला प्रखंड शिक्षक पद पर कार्यरत हूँ एवं बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ सचिव गोगरी पद पर हूँ। मैं 2013 से डायबिटीज से परेशान था, अंग्रेजी दवाई खाया लेकिन इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा था। वर्षों से मैं इसकी तलाश में था कि कैसे मेरा डायबिटीज समाप्त होगा। इसके लिए मैंने अथक प्रयास किया, बहुत से अंग्रेजी दवाई खाई, इसका कोई दूसरा विकल्प ही नहीं है। जिसको डायबिटीज हुआ है उसको छूटा ही नहीं है, ऐसा पैथोलॉजी में कहा गया। मैं इसके विषय में चिंतित था। इसी बीच मेरे मित्र नरेंद्र जी से भेंट हुई, उसने बोला कि एक आयुर्वेद में ऐसी दवा है जो कभी फिर लौट के ज़िंदगी में नहीं आता। उसके विश्वास पर मैंने आयुर्वेद का दवाई खाया। दवाई खाने के क्रम में मेरा ट्रीटमेंट अच्छा रहा। डॉक्टर ए के राय के अनुसार उसके सभी खान पान को पालन करते हुए मैंने दवाई डायबिटीज कमता चला गया, तो मुझे विश्वास हुआ कि डायबिटीज समाप्त हो जाएगी। उसके बाद खान पान में जैसा आश्वासन दिया वैसा मैं खाया सही सलामत। उसके साथ साथ समय समय पर इसने हमारे साथ चेक के दौरान मीठा सेवन करने का, आलू रसगुल्ला अन्य बुनिया मीठा सामान खाने का बोला और मैंने किया, लेकिन डायबिटीज उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ा, घटता ही चला गया। मुझे विश्वास तब हुआ कि डायबिटीज छूट जाए, लेकिन कुछ लोगों इस पर विश्वास ही नहीं है। लेकिन कुछ लोगों के सामने मैंने खाया रसगुल्ला पेड़ा जो भी मीठा का सामान था सब खाया और डायबिटीज चेक कराया, डायबिटीज घट के 110 हो गया, तो मैं पूर्णतः संतुष्ट हो गया कि डायबिटीज अब नहीं हो या इससे मैं बहुत संतुष्ट हूँ। आगे मैं सभी डायबिटीज पेशेंट को ही सलाह दूंगी, आयुर्वेद में डॉक्टर ए के राय द्वारा किया गया ट्रीटमेंट बिल्कुल सत्य, कहीं झूठा नहीं है। हेलो, पहले तो सभी लोग को मैं धन्यवाद देता हूँ, सबसे ज़्यादा धन्यवाद आप डॉक्टर साहब देता हूँ कि जिन्होंने मेरा ट्रीटमेंट किया। मेरा नाम साहिल कुमार है, मैं आजमगढ़ का रहने वाला हूँ और जो है मैं स्टेट बैंक में जॉब करता हूँ। मैं 2 साल से अंग्रेजी दवाएं कर रहा था जिससे मुझे कोई बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं होता था और खाने पीने में मुझे बहुत रोक टोक होती थी। आलू नहीं खाना, चीनी नहीं खाना, चावल नहीं खाना, ये टैबलेट खाना वो बंद करना। मैं दवाइयाँ इतनी मेरे घर पे थी कि मैं बहुत परेशान हो गया था दवाइयों खाते। अब मैं ये सोचता कि क्या मैं पूरी जीवन भर दवाइयाँ खाऊँगा, इतनी इतनी दवाइयाँ, इसकी वजह से जीवन जीने की जो आशा होती है वो एकदम ख़त्म हो गई थी मेरी। मुझे लगता था कि कब मैं मर जाऊँगा मुझे पता नहीं, और जो है कि मैं अपनी ज़िंदगी से बहुत दुखी हो गया था। मैंने कहा कि अब फेक वीडियो हो, कोई कमाने खाने के लिए ये सब कर रहा, तो मुझे कुछ ये लगा कि यार चलो यार पैसा तो मैं बर्बाद कर ही रहा हूँ अंग्रेज़ी दवाओं में, थोड़ा एक बार इनका भी ट्राई मार लेता हूँ। कुछ दिन तो मैंने दवा किया, धीरे धीरे इतना अच्छा रिस्पांस मिलने लगा तो फिर मैंने इनकी नियमित दवा जो है मंगानी शुरू कर। तो मेरा 2-3 महीने इलाज होने के बाद आज की डेट में मेरा कोई शुगर नहीं है। और जो लोग कहते हैं कि ये फेक वीडियो, उनकी गलत फहमी दूर हो जाएगी सिर्फ एक बार डॉक्टर साहब की दवा कर लें, क्योंकि मैं जानता हूँ कि डॉक्टर साहब की दवा जो है वाकई में बहुत अच्छी है। आप जो है नेचुरल ट्रीटमेंट करते हैं और कोई जो है अंग्रेजी दवाओं का सेवन नहीं कराते हैं, ये सबसे बेहतरीन चीज़ है। और आपको नेचुरल चीज़ें ही बताएंगे, कहीं से आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। आपका मतलब जो आप सोच रहे हैं उससे कहीं ज़्यादा बेहतर आपको समझ में आ जाएगा। अगर कोई शुगर से पीड़ित है, कोई माताएं, कोई बहनें, एक बार ज़रूर मिलें, क्योंकि ये बहुत बेहतरीन इंसान है। आपको जीवन एक नई ज़िंदगी ये देंगे, ये ऐसे डॉक्टर हैं, एक बार ज़रूर मिलें। मैं बनावटी बातें नहीं करता, मैं एक सर्विस मैन हूँ और मैं जो है छुट्टी लेके बस ये आखिरी बार डॉक्टर साहब से मिलने आया था। बस यही मैं चाहता हूँ कि आप लोग प्लीज़ रिक्वेस्ट करता हूँ, एक बार डॉक्टर साहब की दवा ज़रूर करके देखें, क्योंकि मैं अंग्रेज़ी दवाएं करके यहाँ से वहाँ तक बहुत थक गया था, अपने जीवन से एकदम निराश हो गया था। आज की डेट में मेरा शुगर जो है खाने के बाद बहुत नॉर्मल रहता और मैं मीठा उठा सब खाता हूँ, अब बहुत ज़िंदगी मेरी खुशहाल है, कोई दिक्कत नहीं है। और शुगर तो मेरे दिमाग से निकल ही गया है
और मैं जैसे पहले था वैसे मैं अब जो है महसूस कर रहा हूँ।